नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज स्पष्ट है? सब कुछ ठीक है? जी नमस्कार। बनारस खासी की पवित्र धरती से सादर प्रणाम। खासी बना चलो भाई। ठीक है, कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन परसों हम लोग मिले थे और हम लोगों ने 2021 के जितने पॉलिटी के सवाल थे यूपीएससी के, जिन्हें हम कहते हैं पीवाईक्यू और जिनका पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना उसके एग्जाम के जा नहीं सकते एग्जाम में, तो 2021 हो गया था, आज अपन 2020 पे चलेंगे। इसीलिए मैंने कहा था आरंभ से एकदम शुरू कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन कि 2022, 21, 20, 19, 18, 17 होते हुए 10, 12, 15 साल सब कुछ खत्म कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का जाड़े में स्वागत है। जाड़े में स्वागत है मतलब क्या? बच्चे कितने पढ़ते हैं। मैं परसों नरसों एक क्लास में था, ऐसे इंसिडेंटली चला गया था, 1 बजे बच्चे पढ़ रहे थे टीचर के साथ, सुबह बच्चे पढ़ रहे हैं, रात को बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, ये ताकत ऑनलाइन कोचिंग्स की है कि आप घर में बैठे हैं, अपने घरों में कैद होकर भी पढ़ रहे हैं। वाई एन अकेडमी, क्योंकि हमें चाहिए सफलता और सफलता के लिए जरूरी है मार्गदर्शन, मार्गदर्शन के लिए अन अकेडमी। क्यों भाई? तो ये सभी दिग्गज एजुकेटर्स आपके साथ हैं बेटा। मेरा नाम है एपी सर, आत्मा प्रकाश सिंह सर। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, लॉ का गोल्ड मेडलिस्ट हूं, संविधान में स्पेशलाइजेशन है। परसों नरसों मुझसे एक व्यक्ति बात कर रहे थे, बड़े ऊंचे पद पर हैं बिहार में। उन्होंने कहा पढ़े तो हम लोग भी हैं लक्ष्मीकांत से, लेकिन आपको बहुत कुछ पता है। मैंने कहा भाई आप सारे विषय पढ़े होंगे, मैं लॉ का एक्सपर्ट हूं तो मेरा स्पेशलाइजेशन तो होगा ही संविधान में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संख्या बल बहुत अच्छी है मुझे लगता है, जाड़े का असर है और एक दिन क्लास ना लो तो अगले दिन उसका असर भी दिखाई देता है, लेकिन कोई बात नहीं। बाय द टाइमिंग बच्चों को नोटिफिकेशन जाएगी, दे विल ज्वाइन। क्यों? तो चलिए आज जो हमारी चर्चा होनी है वो 2020 यूपीएससी के जितने सवाल पॉलिटी के हैं बेटा, उन सारे विषयों पर चर्चा होगी। परसों में बायलिंगुअल में अपनी पीपीटी स्लाइड्स को नहीं ला पाया था, आज मैंने कोशिश की है, देखो इधर उधर से कटे ना, मतलब सब कुछ ठीक होना चाहिए, वैसे ठीक ही होगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो तैयार हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जल्दी से। क्या भाई राहुल रॉय चला जाए? चलो भाई, चलो जल्दी से राहुल रॉय सवाले बच्चे मुझे बताएं। चलो ठीक है, मैं पहला सवाल प्रस्तुत करता हूं, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को। फिर जवाब दीजिएगा। मैं क्या पढ़ूं, हिंदी पढ़ूं इंग्लिश पढ़ूं? हिंदी पढ़ देता हूं। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियां हैं। यूपीएससी ने 2020 में बड़ा आसान सवाल पूछा, ये दिक्कत है। बड़ा आसान विषय है, आप मुझे लगता है तुरंत बता देंगे, जैसे ही देखेंगे वैसे ही बता देंगे। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या विषय सही है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। क्या किसी भी बच्चे को इस सवाल में डाउट है? एनीवन? ठीक है भाई, जब हम राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों की बात करेंगे तो जो संविधान में विषय है बेटा संशोधन का, तो आप सभी को पता है आप लोकसभा में इस पर्पस का बिल ले आओ या राज्यसभा में ले आओ, क्यों? संशोधन तो दोनों जगह हो सकता है, कितनी सारी शुरुआत तो संशोधन को बदलने की राज्यसभा से होती है। लेकिन हां, अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का विषय जो 312 का है,
वो तो राज्यसभा की प्रेरोगेटिव पावर है। सरकार को हटाना बेटा, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का विषय है ये लोकसभा का है, कट मोशन लोकसभा। तो मुझे लगता है ये बड़ा आसान सवाल था, नहीं 2020 का। अच्छा, किसी भी बच्चे को जैसे किसी ऑप्शन में दिक्कत है, मैं एक फंडामेंटल नियम बता रहा हूं, सर बी वाला बता दीजिए, सी वाला बता दीजिए, सर डी नहीं समझ में आया बता दीजिए, मुझसे कमेंट में पूछना, अगर ना देख पाऊं तो बार बार पूछना। चलो, मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सा भेदभाव मतलब अस्पृश्यता के रूप के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करता है। चार फंडामेंटल राइट के क्लासिफिकेशन है, यह भी यूपीएससी में पूछा गया है, मुझे आप जल्दी से बताएं। वेरी गुड वेरी गुड। अनएकेडमी पर क्लास कब से होगा? अभी थोड़े दिन बाद होगा बेटा, थोड़ा हम भी पढ़ लिख लें, एक दो डिग्री ले लें। बहुत अच्छे भुजबल, भुजबल ने कह दिया गुरुजी डी जिंदाबाद, बहुत अच्छे। देखो बड़ा आसान सवाल है। अब सारे फंडामेंटल राइट अपने अपने क्लासिफिकेशन के साथ हैं, बटे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। ये राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी इतना महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आप लोगों से चर्चा की थी एक दिन इक्वालिटी की नई परिभाषा के रूप में, जो जजमेंट पढ़ा रहा था नीट वाला एमबीबीएस में एडमिशन लेने को लेकर, नहीं तो भैया ये जो राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 तक जाता है। हमेशा बच्चे याद रखेंगे कि 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है, और ये जो अनटचेबिलिटी है ये बेटा वहीं का विषय है, अनटचेबिलिटी इक्वालिटी का विषय है। चलिए मैं अगला सवाल प्रस्तुत करता हूं, 2020 का है, ध्यान दीजिएगा। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया है? व्हाट डज इट मीन? जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है बेटा, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। कैसे अलग है मैं ये जानना चाहता हूं, बड़ा बेसिक सवाल है। देखो बच्चे धीरे धीरे आ रहे, सबको नोटिफिकेशन जाएगी और बच्चे आ जाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऋतु राज, दोनों को जोड़ देते बेटा, बहुत अच्छे। क्या कोई बच्चा है जिसे इस बेसिक सवाल में दिक्कत हो तो बता सकते हो। सर प्लीज आंसर मी, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है और अभी तो ऑप्शनल भी 30% नहीं होया है। सर मैं अटेम्प्ट 23 का दूं या 24 का, और कोचिंग लेना जरूरी है सर? अभी बताते हैं मुस्कान, बहुत अच्छे। देखो बड़ा आसान विषय है, बड़ा आसान इसलिए है क्योंकि हम लोग काफी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि भैया जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए, ये डीपीएसपी का विषय है। लेकिन क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आर्टिकल बता सकते हैं? यदि आप मुझे आर्टिकल बताएंगे तो आपके घर आधे आधे किलो की चॉकलेट भेजूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको मुझे बताना है सोच के कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताने वाला। चलिए, लंबा चौड़ा सवाल है। अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट द एफर्ट्स एट डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाई। आप हिंदी पढ़े मुझे जवाब दें, बढ़िया सवाल है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड मुस्कान, मुस्कान तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा क्लास खत्म होने के पहले। हां भाई जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है। वाह बच्चों को जानकारी है, शाबाश। बहुत अच्छे, शाबाश। चलो भाई मैं बता देता हूं किसी बच्चे को अगर डाउट है तो। इस सवाल का बेटा सही जवाब है डी। देखिए ये जो कानून है ना बेटा, FRBMA, ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसके पर्पस को एक बार मेरे साथ पढ़ें, समझने की कोशिश करें। इट प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ विद प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी विद स्पेसिफिक अंडरलाइंग एजम्पशन। व्हाट डज इट मीन?
जब बेटा इस तरीके के फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया जा रहा है, सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो बेसिकली ये कुछ प्रिजम्पशन की बात करते हैं, कुछ असर्शन की बात करते हैं। प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? पता होना चाहिए। प्रिजम्पशन मतलब होता है कि आपका जो असर्शन है, मतलब सरकार जिस बात के लिए कमिटेड है, जो उसका संकल्प है, उसकी पूर्ति को लेकर जो हमारा असर्शन है, जो हमारा ऑब्लिगेशन है, हम आगे बढ़ेंगे ना किसी संकल्प को लेकर, ये जो डॉक्यूमेंट है बेटा उसे स्थापित करता है। तो द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये धारा 3 उपखंड 5, ये जो 2003 का कानून है, इसके अंतर्गत आता है और आपको जानकारी होनी चाहिए इस कानून की। ठीक है, चलो भाई। मुस्कान कुरैशी, अगला सवाल आपके लिए बेटा। परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? आप लोग मुझे बताएंगे, रेगुलर बच्चे तो इसे अच्छे से कर लेंगे, मुझे पता है। क्लास के बीच में कौन मुझे फोन कर रहा है? बच्चा बहुत पिटाई होगी। हाँ भाई, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट। वेरी गुड। क्या कोई बच्चा है जिसे प्रॉब्लम है इस सवाल में? बहुत अच्छे प्रीति दू, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। सीमित सरकार होता है, वेरी गुड, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट, क्यों लिमिटेड गवर्नमेंट? कितनी बार एपी सर बता चुके हैं, अरे संवैधानिक सरकार मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरकार जिसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा है। मोदी जी कुछ भी कर लेंगे, हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर कुछ भी कर सकता है। आप कहेंगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं, हर पग पर, हर निर्णय पर संविधान बैठा है और संविधान को मानना है। तो क्या मतलब हुआ? एक ऐसी सरकार जो सीमित शक्तियों वाली सरकार है, आर्बिट्रेरी नहीं है। और यही कारण है बेटा हमारे देश में डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे यहां संविधानवाद है। संविधानवाद का यही मतलब होता है। अगर किसी बच्चे को ए बी सी किसी में भी प्रॉब्लम हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्योंकि देखो मैं अगर सब बताने लगूंगा, एक सवाल चार ऑप्शन, तो फिर मतलब बड़ा देर हो जाएगी। तुम मुझसे पूछ लो कि सर ए बता दीजिए, बी बता दीजिए, सी बता दीजिए, मैं पक्के तौर पर बेटा उस पर चर्चा करूंगा। 2020 में यूपीएससी हमसे पूछ रहा है, मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है? मतलब जो बेटा दुनिया ने यूडीएचआर को एडॉप्ट किया 1948 में, हमसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट, तो चलो यूडीएचआर की छोटी बहन है हमारे देश का संविधान का, और कौन सा भाग यूडीएचआर के साथ खड़ा है? हां जी, वेरी गुड ऋतिक, शाबाश। वेरी गुड, देखो बेटा मेरी एक बच्ची है, वो कह रही है प्रस्ताव, उसका नाम है शालिनी, वो कह रही है प्रस्तावना सही है, मौलिक कर्तव्य सही है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत नहीं सही है। शालिनी मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कुछ प्रोविजन की ओर, ध्यान से समझना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेटा महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करती है, क्या यूडीएचआर नहीं करती? आप कहेंगे सर करती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेटा एससी एसटी की बात करती है, क्या यूडीएचआर नहीं करती? आप कहेंगे सर करती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बच्चों की पढ़ाई की बात करती है, क्या यूडीएचआर नहीं करती? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल करती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मुफ्त कानूनी सहायता की बात करती है, समान न्याय की बात करती है। बेटा ये तो सारे विषय यूडीएचआर के हैं, आपके यहां फंडामेंटल राइट में नहीं है, उससे क्या मतलब है? सवाल पूछा जा रहा है कि यूडीएचआर और किसके करीब है, तो आप कहिए प्रस्तावना के करीब है, डीपीएसपी के करीब है, मौलिक कर्तव्य के करीब है, बताइए सारे बच्चे। आपको केवल प्रोविजन की पहचान करनी है। क्यों भाई? सर डी कैसे? अरे भुजबल, ठीक है भुजबल,
गजब हाल है भाई, यही तो बता रहे हैं भाई। डीपीएसपी में कमजोरों की बात की गई है, की गई है कि नहीं की गई है? इक्वल पे इक्वल वर्क क्या है बेटा, यूडीएचआर के सारे प्रिंसिपल हैं। मतलब जो बात यूडीएचआर में भी कही गई, जो बात संविधान में भी कही गई, हमें खोजना है यूडीएचआर के प्रोविजन कहां कहां मिल सकते हैं। हम कहेंगे सर फंडामेंटल राइट में तो मिलते ही है, इन तीनों में भी मिल सकते हैं। ठीक है, 2020 का सातवां सवाल है, भारत में कानूनी सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है? याद रखिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जन्म बेटा आर्टिकल 39A से हुआ है, जस्टिस यूयू ललित का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मुफ्त कानूनी का मतलब गंदी कानूनी सहायता देना नहीं है, खराब, उससे जुड़ा सवाल है एनएलएसए, आप मुझे बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, वही बच्चा कर पाएगा जिसने पीवाईक्यू किया है या एनएलएसए पढ़ा है। ऋतिक जाधव ऐसे जवाब नहीं देना, 1, 2 है सर, 4, 5 है, कहना सर ए सही है, बी सही है, सी सही है, ऐसे जवाब देना ऋतिक, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ऋतिक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो देखिए भैया, इस सवाल का जो सही जवाब है, आधिकारिक जो जवाब है वो है पहला और दूसरा विषय। ठीक है, पहला विषय सही है, दूसरा विषय सही है। एक बार मेरे साथ इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, मुझे वैसे भी नालसा पढ़ाना है आप लोगों, बहुत दिन से सोच रहे हैं। साइथ, इट इज एग्जैक्टली साइथ, हमारे यूपी में बोला जाता है, साइथ नहीं बन पा रही है, पढ़ाएंगे। देखिए द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब आया, 1987। इट स्टेट्स दैट दोज पर्सन हु हैव एनुअल इनकम ऑफ लेस देन द अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। बड़ा अच्छा कानून है, हर राज्य सरकार अपने यहां अलग अलग नियमों को बना सकती है नालसा को लेकर। हो सकता है महाराष्ट्र में कहा जाए 3 लाख रुपए, हो सकता है यूपी में कहा जाए 2 लाख रुपए, मतलब 3 लाख के नीचे आपको मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी, 2 लाख के नीचे आप पात्र माने जाएंगे मुफ्त कानूनी सहायता के। तो ये राज्यों के ऊपर है, राज्य क्या नियम बनाते हैं। और इफ द केस इज बिफोर एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड लेस देन 5 लाख, इफ द केस इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आर एलिजिबल फॉर लीगल एड। कहने का मतलब है आप इन कुछ पंक्तियों से बेटा नालसा के फंडामेंटल को नहीं समझ सकते। नालसा में बहुत सारे नियम दिए, बड़े बड़े चार्ट दिए हैं कि मुफ्त कानूनी सहायता किसे दोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सरकार इस रूप में आगे बढ़े कि हम सबको फ्री लीगल एड दे देंगे, बेटा इस देश में ऐसा कौन है जो वकील को करना चाहेगा? सब कहेंगे दे दो दे दो दे दो। इसीलिए नालसा कहती है हम एलिजिबिलिटी को तय करेंगे, किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। और यहीं पे बेटा हमारी वो थ्योरी आ जाती है जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती है मुफ्त कानूनी सहायता, हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए नियम बनाए गए हैं। ये नियम समझना बड़ा जरूरी है, उसे याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यदि 2020 में सवाल पूछा जा सकता है आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन ज्यादातर स्टेट्स का जो क्राइटेरिया है वो 1 लाख है कि अगर साल में 1 लाख रुपए आप कमाते हैं तो माना जाएगा आप गरीब हैं। साल में 1 लाख रुपए का क्या मतलब हुआ, 8,200 समथिंग 300 रुपए, क्यों महीने का मतलब? अगर महीने का 8,200-300 है तो ठीक है, जरूरी है। फिर ट्रांसजेंडर्स आर कवर्ड, ये बड़ा अच्छा विषय है, सामाजिक न्याय से जुड़ा है कि जो मेरे किन्नर समुदाय के भाई बहन हैं वो नालसा में कवर्ड है, ठीक है ना। उसके अलावा द फ्री लीगल एड इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल सीनियर सिटीजन। अब बेटा ऑल का मतलब कोई चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुआ है उसको भी दे दोगे भाई? सीनियर सिटीजन का मतलब है बहुत सारे लाखों लोग पेंशन पा रहे हैं, अमीर है तो सबको नहीं देंगे, हाँ जो डिजर्विंग है उसको जरूर देंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा अच्छा, कुछ बेसिक डेक्लेरेशन आपसे पूछे गए हैं दुनिया में जिनकी बड़ी भारी महत्ता है, ठीक है। आल्मा हेग, टालानोआ, वेरी गुड।
आपको बेटा बताना है इन जोड़ियों पर विचार करके कि क्या विषय सही है क्या नहीं सही है। सवाल थोड़ा कठिन है, वेरी गुड। जल्दी जल्दी जवाब दो, देखो भाई इतना समय नहीं देंगे। ये देखो सारे बच्चे पढ़ के आए, चीटर हो तुम लोग, चीटर। देखो प्रीति वर्मा एकदम ईमानदार बच्ची है, वेरी गुड प्रीति। राजेश मौर्य, अभी तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं। राजेश और वो जो बच्ची है कुरेशी, वो हमसे जब हम जाने लगेंगे तब हमसे सवाल पूछेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए अब ज्यादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण क्या है, वो पढ़ के आए हैं, पीवाईक्यू कर चुके हैं। दूसरा कारण क्या है, पढ़े लिखे हैं भाई, पढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल रिलेशन को। लेकिन हमें क्या पता चलता है इस सवाल से, हमें यह बेटा पता चलता है इस तरीके की जो डिक्लेरेशन है और इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपसे आशा यह की जाएगी कि आप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के पहले इस तरीके के सारे डिक्लेरेशन को नोट्स बना लो, याद कर लो, ठीक है। देखिए मैं जल्दी से बता देता हूं जिन बच्चों को ना पता हो, अल्माटा बेसिकली 1978 कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान क्यों किया गया बेटा, बेसिकली ये हेल्थ केयर से जुड़ा विषय था। टालानोवा, टालानोवा बेटा कब अडॉप्ट किया गया, बड़ा रिसेंटली 2020। क्यों किया गया, क्योंकि बेटा ये जो नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन का विषय है जिसे हम कहते हैं एनडीसी, उस विषय से रिलेटेड है। हेग के बारे में ज्यादातर बच्चों को पता होगा, हेग बेटा 1983 का है, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनके परिवार हैं, जो एडॉप्शन है मतलब उससे जुड़ी इलीगैलिटी जो है, इररेगुलरिटी जो है, सब्जेक्ट मैटर हेग का वो है। और अंडर टू कोएलिशन बेटा कहां गया जी मेरा, हेल्थ क्लाइमेट, सॉरी इट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट। तो बहुत सारे बच्चे हेग वगैरह, स्टॉकहोम, रियो को सबसे क्लाइमेट से जोड़ देते हैं, वो तो जुड़ा ही है, लेकिन आपको समझना होगा कि दूसरे सब्जेक्ट मैटर से भी ये सारे विषय जुड़े हो सकते हैं। सरकार की एक संसदीय प्रणाली है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश में सरकारों के पास। पार्लियामेंट्री सिस्टम से हम क्या समझते हैं, चार ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी, आप मुझे जल्दी से बताएंगे। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। वेरी गुड तुषार, शाबाश बेटा, वेरी गुड आरती देवगन, सही है यार, नाम में ही देवगन है, सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग नहीं आरती, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। सारे बच्चे कह रहे हैं द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। हम क्या कहते हैं, जो सरकार होगी वो सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। और जो अभी हम लोगों ने पहले दूसरे सवाल में पढ़ा कि सरकार होने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे बात आ सकती है, तुम्हारी सीमित शक्ति है। और फिर हम लोगों ने 2020 के पेपर में ही पढ़ा कि सरकार को टाटा गुड बाय भी कहा जा सकता है। एक सवाल मतलब एक क्वेश्चन पेपर में एक ही साल में पार्लियामेंट से 3 सवाल पूछ लिए गए। तो पार्लियामेंट्री सरकार का मतलब होता है जिम्मेवार सरकार और जिसे हटाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुच्छेद 75 उपखंड 3 नामक ट्रेन को पकड़ें और निकल लें, कहां, संविधान की बेयर एक्ट में। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। अच्छा 2020 का पेपर आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है, 2020 का जो पेपर है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, कितना आसान, मतलब चलें जल्दी से बताएं, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल और संविधान की 7वीं अनुसूची। ये देखो सारे बच्चे सही 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 सही। अरे प्रीति दुबे पार्ट 14 पता है प्रीति दुबे क्या है, गजब। चलो भाई किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता है इस सवाल में दिक्कत होगी, शाबाश बहुत अच्छे।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, गांधी का सपना वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, ठीक, डीपीएसपी, वो जो मेरी बच्ची है, पार्ट 14, पार्ट 14 तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है, आईएएस से जुड़ा है, आईपीएस से जुड़ा है, सिविल सर्वेंट से जुड़ा है, लेकिन वेलफेयर स्टेट से कैसे उसको जोड़ रहे हो बेटा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा शेष से सही है उसे बताइए, ठीक है बेटा, क्या सही है कहने का मतलब है वो आपको बताना है। दो ही स्टेटमेंट है, मैं पढ़ने वाला नहीं, आप पढ़िए, किसी भी बच्चे को किसी भी ऑप्शन में डाउट होगा वो मुझसे पूछेगा, मैं भी पढ़ता हूं। वेरी गुड, शाबाश, बड़ा आसान सवाल है। ईमानदारी से जवाब दोगे तभी तो हम कान पकड़ेंगे, तभी तो तुम्हारा नाम लेंगे। देखो आरती देवगन कह रही है डी, वेरी गुड आरती, प्रसिद्धि कह रही है डी, प्रद्युमन कह रही है डी, सहनाज यास्मीन कह रही है डी, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। बहुत अच्छा, अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बच्चे डी कह रहे हैं, एक बार तो तुम लोगों के आंसर को देख के मुझे लगा कि कहीं मेरे पास जो आंसर है वो गलत तो नहीं, अरे कैसी बात करते हो यार। मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना, हट जा, चल इधर आ जा, चल इधर आ जा। पहला क्यों गलत है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी। आप कह दो कि सर ये तो सब बेसिक स्ट्रक्चर है, हम भी मान लेंगे, फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ पावर, सेक्युलरिज्म है या फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी को कोई छू नहीं सकता है, लेकिन बेटा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस किस आर्टिकल में, किस पार्ट में, किस अनुसूची में, किस संशोधन में? मैं तो नहीं पढ़ा आज तक, तुम भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि बेटा ये तो सुप्रीम कोर्ट की डॉक्ट्रिन है, केशव नंदा भारती वाली डॉक्ट्रिन है, वमन राव की डॉक्ट्रिन है 1981 का जजमेंट, तो संविधान नहीं बतलाता। केवल इस वजह से यहां होना चाहिए द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंस, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। आप मुझे बताएं इस सवाल में क्या आपको गड़बड़ लग रहा है, ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन है क्यों होता है? ठीक है, जस्टिस को पाने के लिए, ये जस्टिस किससे जुड़ा है बेटा? देश के लोगों से जुड़ा है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि नागरिकों की स्वतंत्रता को बचाने के लिए और जिन जिन आदर्शों पर संविधान टिका है उसे प्रिजर्व करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल होता है। आप मुझे बताइए जितने लॉज हैं, मतलब जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये लॉ नहीं चलेगा, क्यों बेटा? क्योंकि उन आदर्शों को बचाना है ना भाई। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक संशोधन लेके आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हट जाओ नहीं चलने वाला, क्यों ऐसा बोला? उन आदर्शों को बचाना था। और बेटा वी हैव प्लेथोरा ऑफ जजमेंट, जहां पर भारत की सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट के लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमारे भविष्य के लिए, एडल्ट्री से जुड़े विषयों के लिए, प्राइवेसी से जुड़े विषयों के लिए कितने सारे केस लॉज लेकर आई है बेटा। ये तो सही है ना, बताइए कोई बच्चा बता दे कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। वेरी गुड हिटमैन, लेकिन हिटमैन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ये बेटा किससे जुड़ी है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या हमारा विदेशियों के साथ क्या संबंध है उस विषय से जुड़ी है? नहीं बेटा, संवैधानिकता इस विषय से जुड़ा है कि हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा भविष्य, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे अधिकार, हमारे आदर्श है ना, वो बने रहें, बचे रहें, प्रिजर्व रहें। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? चलूं आगे, चलो
अगला सवाल, गांधीवाद और मार्क्सवाद, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीजम एंड मार्क्स। देखो अब आपको खुशी होगी, अरे इसका जवाब मुझे आप पता, वो तो तुम्हें पता ही होगा, तुम पीवाई क्यों पढ़ चुके हो, हम लोग पेपर एनालिसिस करवाते हैं एक एक क्वेश्चन का एकदम घुस के। लेकिन बेटा आपको समझना होगा प्रीलिम्स में इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं जो मुख्य परीक्षा का विषय हो सकता है, कि गांधीजम पे ऐसे लिखिए, गांधीजम क्या है, गांधीजम संविधानवाद को बताइए, मार्क्सवाद के बारे में बताइए। आपको इस तरीके से पढ़ना है भुजबल कि आने वाले समय में बेटा मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए विषय मतलब मार्क्सवाद और गांधीजम, ये तो वही बच्चा बता पाएगा जिसने बेटा मार्क्सिज्म को पढ़ाओ, गांधीजम को पढ़ाओ। आप मुझे जवाब दीजिए और आप समझिए कि इस तरीके के सवाल आपको भविष्य में मिलेंगे। या देखो, हाँ बेटा आशीष, चल बेटा जवाब दे दे, मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजे हैं, चल बहुत अच्छे, वेरी गुड सुधीर, प्रद्युमन, ज्यादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है ना बेटा। अब स्टेटलेस सोसाइटी मार्क्स का अलग धारणा है, गांधी की अलग धारणा है। गांधी की धारणा इस रूप में है कि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाग जाएं, हम एक ऐसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़े जहां किसी सरकार की जरूरत ना हो, जहां हमारे गांव मजबूत हो जाएं, जहां हमारी पंचायतें मजबूत हो जाएं, जहां सभी को न्याय मिले, एक तरीके से राम राज्य, स्टेट की जरूरत ही। अब गांधी का सपना स्टेटलेस सोसाइटी का बिल्कुल अलग है, मार्क्स अंकल का बिल्कुल अलग है, लेकिन है तो स्टेटलेस, एक बात तो पक्की है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, इसीलिए बेटा पहला विषय सही है, ठीक है। कार्ल मार्क्स स्पोक ऑफ स्टेट लेट कम्युनिस्ट सोसाइटी, गांधी स्पोक ऑफ राम राज्य वेयर सोशल ऑर्डर इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल क्लास। अब ये जो शब्द है ना, इसको ऐसा प्रचारित प्रसारित किया जाएगा कि अरे इसमें राम जुड़ गया तो ये हिंदूवादी शब्द है, इसे नहीं, अरे राम राज्य का हिंदू से कोई लेने देना नहीं है महाराज, राम तो पूरी मानवता के हैं, पूरे मानव के हैं, नहीं भविष्य के हैं कि कैसा आचरण होना चाहिए। वो तो गलत इंटरप्रिटेशन हम लोग 70-80 साल में करके बैठे हैं, इसलिए हमको लगता है कि राम शब्द जो है, गांधी के राम को पढ़ो, पॉलिटिकल पार्टी के राम को मत पढ़ो। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही के लिए उपयुक्त है, ठीक है बेटा, ब्यूरोक्रेसी 2020 में आपसे पूछा गया, चलें बताएं। ये क्लास बड़ी अच्छी है, आप आराम से बैठकर बच्चों के कमेंट देख सकते हैं। देखो बेटा आशीष, दो चीज तुमको बताएंगे, एक तो बेटा पढ़ाई कर लो, और दूसरा बेटा तुम उस व्यक्ति से बात कर रहे हो जो पेशे से लॉयर है, जिसको गुस्सा बहुत तेज आता है, तो क्यों आशीष ऐसी बातें मेरी क्लास में करना बेटा, जिससे तुमको प्रॉब्लम हो, किसी और को छोड़ो यार, प्यार मोहब्बत होगा, नौकरी सौकरी कर लो, गुस्सा नहीं दिलाते सुबह सुबह। अरे वाह, बच्चे बट गए, बच्चे बट गए, आप प्रतिम श्रीवास्तव लग रहा है पीवाईक्यू पढ़ के आए हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक दिन सोचता हूं, बहुत लंबा, मैं क्या सोचता हूं, तुम लोग मुझे याद नहीं दिलाते हो, बहुत अच्छे बेटा। एन एजेंसी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पब्लिक पॉलिसी, लोक कल्याण क्या है, लोक कल्याण का महत्व, लोक कल्याण का विषय, मतलब सब कुछ पब्लिक पॉलिसी पर जुड़ा है। पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा एक बड़ा बेहतरीन केस तुमको बताता हूं, बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन, कृष्णा अय्यर का जजमेंट है। कृष्णा अय्यर ने 1979 में कहा कि एक महिला अपने पति से कह रही है जा निकम्मे, नहीं चाहिए तुझसे फूटी कौड़ी, नहीं लूंगी तुझसे पैसा, उसके बावजूद कोर्ट उस महिला को बेटा मेंटेनेंस दिला सकती है, क्योंकि उस महिला के मात्र कह देने से आप उसको मेंटेनेंस नहीं दोगे, क्या होगा पब्लिक पॉलिसी का। मतलब पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा घोड़ा है कि जिस पर लगाम लगाना बड़ा जरूरी है, किधर भाग जाएगा पता नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा अमेरिकन जजेस कहते हैं। यह पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन करेगा, डीएम एसपी। मैं अभी किसी बच्चे से बात कर रहा था, ध्यान से समझना, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, केवल वही टीचर बता सकता है जिसने लॉ का अध्ययन किया है। पब्लिक पॉलिसी, क्या आपको पता है बेटा फैमीन या जब इस तरीके की
दिक्कत वाली कंडीशन समाज में चलती है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन थाना अध्यक्ष, आप सभी को पता होगा, आप लोग उसको एसओ बोलते होगे, दिल्ली वाले एसएचओ बोलते होगे, प्रभारी निरीक्षक बोलते होगे। थाना अध्यक्ष की ड्यूटी मानी जाती है कि जब फैमीन चल रहा है तो ये खोज खोज कर वेंडरल्स इन डिस्ट्रेस को थाने लाए, उनको खाना खिलाए, खोज खोज कर। आप बताओ थाना अध्यक्ष का क्या काम है? अब वो जीप से चल रहा है, एकदम मूछ उछ टाइट करके, चार हमराई है, लेकिन बेटा पुलिस रेगुलेशन कह रहा है इससे, पैरा कौन सा पैरा है, पैरा 328 329 यूपी पुलिस रेगुलेशन। आप समझिए ये पब्लिक पॉलिसी है, खोज खोज कर आप लोगों को ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट आपका, अब ये ब्यूरोक्रेसी का पार्ट नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि उस व्यक्ति से भी आशा की जा रही है कि पब्लिक पॉलिसी के साथ आगे बढ़ो, लोगों का कल्याण करो, जिसका दायित्व केवल मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर है। ठीक है, तो जो सबसे बढ़िया जवाब था वो यही था कि एन एजेंसी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के लिए एक एजेंसी। भारत के संविधान की प्रस्तावना है, बताओ यार पृथ्वीराज मंडल, ऐसा लग रहा है हम लोग एसएससी वगैरह का पेपर कर रहे हैं। नहीं, ऐसे सवाल कौन पूछता है, खैर कोई बात नहीं। हाँ भाई जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। वेरी गुड द श्रीवास्तवा, अप्रतिम पढ़ के आए हैं, ये बहुत होशियार लड़का, ये पीवाईक्यू का आंसर खोल के बैठ गया होगा। हाँ भाई जल्दी 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 जल्दी, बहुत अच्छे। किसी बच्चे को डाउट कि सर ऑप्शन डी ही क्यों सही है? करण पासवान बता बेटा, बहुत अच्छे, आसान सवाल है, किसी को डाउट भी नहीं है, चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथन किससे जुड़ा है? कथन राष्ट्रपति से जुड़ा है, संसद से जुड़ा है, भारत के संविधान के संसद के सत्रों से जुड़ा है। आप मुझे बताएं 1 2 3 में क्या विषय सही है, हम लोग खेला नहीं कर सकते ना। चलिए बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या सही है। वेरी गुड, सी 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 सी। क्या कोई बच्चा है जिसे लगता है ए बी और डी भी होना चाहिए? एनीवन इन द क्लास इज ऑफ ओपिनियन? बहुत अच्छे प्रिया ग्वाल, प्रसिद्धि, प्रिंस, करण पासवान, बहुत अच्छे बेटा। अच्छा इससे जुड़ा आर्टिकल कौन सा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं लिख भी देता हूं। चलिए आर्टिकल 85, ठीक है ना, ये सारा विषय बेटा आर्टिकल 85 में दिया है। व्हाट डज इट मीन कि भाग 5 के पार्लियामेंट के जितने प्रावधान हैं उन सबको आपको पढ़ना नहीं है, रट्टा मार जाना है, बैठ जाओ रट्टा मार डालो, जितने प्रावधान है एक भी मत छोड़ना। सबसे सवाल इस देश में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर से कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, अरे वाह ये तो हम पढ़ा चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। चलिए क्या सही है आपको यह पढ़ना है। वेरी गुड,
अच्छा बेटा सत्तू आएंगे बेटा, थोड़ा दो चार दिन की व्यस्तता है फिर तुम्हारे साथ खाएंगे सत्तू, थोड़ा पढ़ लो बेटा पहले। वेरी गुड अश्विनी, तुम तो देखो शहीद हो गए, तू तो गयो। बहुत अच्छी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आधिकारिक जवाब है वो है एक और दो भी नहीं। व्हाट डज इट मीन नोटा? नोटा क्यों? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन स्टेट फॉर सिक्स मंथ इवन ही इज शी नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। हां भाई, मैंने ममता बनर्जी का एग्जाम्पल दिया था, उद्धव बाला साहब ठाकरे का एग्जाम्पल दिया था, दिया था कि नहीं दिया था तुम लोगों को बताओ? मैंने आप लोगों से 164 के बारे में बतलाया है, उसके बाद भी यार ये सवाल गलत हो गया, देखें तो कौन कौन गलत किया। अच्छा देखो मैं बता देता हूं, देखो प्रसिद्धि परेशान मत हो अप्रतिम बेटा, कहा यह जा रहा है अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट। वोट कब देते हो आप? कह दो 21 साल में। विधायक कब बनते हो? 25 साल में। 25 साल चाहिए ना। तो जो व्यक्ति वोट दे सकता है वो बेटा बिना विधायक बने मंत्री बन सकता है। व्हाट डज इट मीन कि आप 21 साल की उम्र में विधायक बन सकते हो, क्या यह सही है? संत इसका देखो संतोष यादव का, ये बेटा 18 में तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, कैसे कर रहे हो यार तब? इसलिए बेटा पहला विषय गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड। अब बेटा आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8 पढ़ना होगा, 5 साल क्या परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड है और 5 साल, इन दोनों विषयों के बारे में पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि लोअर कोर्ट ने हमें सजा दे दी, मान लीजिए 3 साल की सजा दे दी, ठीक है हम जेल चले गए डिस्क्वालिफाइड हो गए, लेकिन बाय द टाइम बीइंग लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील होती है और हमें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सवाल यह पूछा है जिसे एक बार सजा मिल गई वो परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड हो गया। बेटा ये तो लिखा नहीं है अकॉर्डिंग टू आरपीए अ पर्सन हु इज फाइनली कन्विक्टेड, बताओ ऐसा लिखा है क्या रीमा वर्मा? अगर ऐसा लिखा होता तब तो मान सकते थे, लेकिन अपील तो कर ही सकता है, रिवीजन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, इसलिए ठीक है ना। पंकज यादव कैसा है, कहां गायब है इतने दिन से? चलिए भैया आज का आखिरी सवाल। अच्छा आज के आखिरी सवाल में जाने के पहले दो विषय हैं, आज है 5 तो शायद मैं 2-3 दिन क्लास ना ले पाऊं, ठीक है ना, 6-7-8 तक बाहर हूं, शाम वाली भी नहीं ये वाली भी नहीं, परेशान नहीं होना, टेलीग्राम पर तो हमेशा मेरे साथ है, टेलीग्राम पर अपन एक्टिव रहेंगे। 3 दिन तो पक्के तौर पर क्लास नहीं चलेगी, ना यूट्यूब ना स्पेशल, तो आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा इस विषय के लिए। दूसरा विषय ये है, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उनको तो बहुत बहुत बधाई, मुझे लगता है शायद कल तक या परसों तक ही ऑफर है और हम व्यस्त भी हो जाएंगे। जिन बच्चों का प्लान है एडमिशन का वो प्लीज मुझसे आज बात कर लो यार, फिर मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, समझे? बहुत बार ऐसा होता है पैन आधार नहीं चल पाता है, दूसरा डॉक्यूमेंट मंगाना होता है, मतलब कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, बच्चों को पता होगी कभी कभार। तो फिर क्या डिस्काउंट मिलेगा, 2 महीना कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट आज प्रोसेस कर लो, हमसे बात कर लो, अभी मैं बता दूंगा। आज का आखिरी सवाल 2020 का, भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
बेटा भाग चार की बात हो रही है, ठीक है ना, फोर ए की बात नहीं हो रही है। चलिए, छुट्टी मौज ही मौज, वाह भाई प्रिया अग्रवाल, नहीं इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ठंडी, मैं बाहर हूं तीन चार दिन, किसी को चलना है बेंगलोर तो चलो मेरे साथ। गुरुजी 86वां संवैधानिक संशोधन 21 साल से घटाकर 21 कर दिया गया है वोट देने का अधिकार, वेरी गुड। शालिनी नहीं सर आप पढ़ाओ, अप्रतिम वेरी गुड। शाबाश, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। नहीं ठीक है, तो भैया ये आज का आखिरी सवाल था, केवल दूसरा और तीसरा विषय सही है, वो ये नाले द्वारा प्रवर्तनी होंगे, ये गलत जवाब है। लेकिन बाय द टाइमिंग जो नया अप्रोच सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेके चल रही है कि वो डीपीएसपी पे लॉ तो नहीं बना सकती, लेकिन हां डीपीएसपी से इंस्पिरेशन जरूर ले सकती है। जैसे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आर्टिकल 39A, क्यों भाई, ये डीपीएसपी हुआ करता था, अब सुप्रीम कोर्ट इसे लागू तो नहीं कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंस्पिरेशन लेके प्री लीगल एड को फंडामेंटल राइट बना दिया। इससे जुड़े दो महत्वपूर्ण केस हैं, हुसैनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, खत्री सेकंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दोनों पीएन भगवती के जजमेंट हैं प्री लीगल एड को लेकर। तो इस तरीके से बेटा प्रीलिम्स में तो हम यही कहेंगे कि जस्टिफिएबल नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, अब फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है, पता है कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी को ना तो सरकार लागू कर पाई, अभी तक कर भी नहीं सकती है, इन द सेंस कि अभी कोई ऐसा लॉ तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, लेकिन प्रेरणा तो ले सकती है ना, इंस्पिरेशन तो ले सकती है। तो प्रीलिम्स के अनुसार पहला गलत, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने 2021 और 2020 दो साल बेटा निपटा दिए। अब मैं जब अगली बार आऊंगा, अगले दिन मतलब दो तीन दिन बाद क्लास चलेगी, तो हम लोग बेटा 2019 के सवालों पर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से आपसे मेरी आशा है जो भी सवाल आप गलत कर रहे हैं उसका अभी से बेटा नोट्स वगैरह बना लो, ठीक है ना, नहीं बनाओगे जब एग्जाम देने जाओगे तो वापस ये सारे विषय आपको पढ़ने होंगे, ठीक। तो बताओ भाई किसी बच्चे को डाउट, सर मेरे दोस्त का 1,00,000 रुपया खो गया, इसकी मदद कर दें यार, सर मेरे दोस्त का 1,00,000 रुपया बैंक से उड़ गया, संडे के दिन में आईटीआर बैंक के खिलाफ डाल बडो। आईटीआर नहीं होता है बेटा, आरटीआई होता है, गजब है हाल है, मतलब आईटीआर भर दोगे क्या, उसको आरटीआई कहते हैं, हां डाल दो बेटा राजेश, ठीक है जिद्दी। तो ये ऑफर कल परसों मुझे लगता है परसों तक तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं चाहे 18 महीना हो 12 महीना हो सब पे बेटा कम से कम 25,000 रुपए इस समय कम है, जो फीस हुआ करती थी उससे 25,000 रुपए कम चल रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया ऑफर है, नहीं बहुत बेहतरीन ऑफर है, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हर ऑफर हमेशा रहता नहीं है। अगर ये गलत फहमी हो कि अरे हम जब एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाता है, ठीक है, लोन हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, 2 से 3 दिन तो नहीं मिलेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा, टेलीग्राम पर एक्टिव रहूंगा, ठीक है। क्लास अभी से प्लान कर देता हूं 2019 को लेकर, 9 तारीख की प्लान कर लेता हूं सेफर साइड में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। प्रिंस राजेश सलोनी शहनवाज, ये सहनवा सुपर 60 वाला है क्या, ऋषभ यादव कैसा है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। जो नहीं आएगा उसका फोन ब्लास्ट हो जाएगा, प्रसिद्धि, चलो।